हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है सानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनाउंस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले MIUI 13 के कंट्रोल सेंटर के बारे में, जिसका न्यू लेआउट गाइस आ चुका है यहाँ पे APK के तौर पे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आएगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाके जल्दी से फॉलो कर ले। आपका अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो देख सकते हैं ये आपको देखने को मिल जाता है पुराना वाला कंट्रोल सेंटर, जो कि अभी मेरे में है ही। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पुराना वाला कंट्रोल सेंटर और यहाँ पे आपको नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। अब बात करें गाइस नया वाला कंट्रोल सेंटर कैसे इंस्टॉल करना है, तो कैसे इंस्टॉल करना है गाइस, एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। जो ये जो APK यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम प्लगइन का, आपका काम तो कर जाएगा बट ये एंड्रॉइड 12 के लिए ही है अभी, और ये अभी अल्फा या फिर बीटा स्टेज में, इसलिए आप सही से इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके डिवाइस में सपोर्टेड नहीं हुआ तो आपका डिवाइस जो है हार्ड ब्रेक हो सकता है या फिर बूट लूप में जा सकता है, और अगर आपका बूट लोडर अनलॉक हुआ तो फिर आपका गाइस कोई चारा नहीं बचेगा, फोन खराब हो जाएगा, सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, वहां पे जाके बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया न्यू MIUI 13 कंट्रोल सेंटर। अब बात करें गाइस, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इंस्टॉल किया था अपने चाइना बीटा MIUI 13 वाले रोम पर, तो मैं वहां से ही आपको दिखा देता हूं यहां पे। सो गाइस, देख सकते हैं यहां पे न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है MIUI 13 के न्यू कंट्रोल सेंटर का, जिसने उसने इंस्टॉल किया है MIUI 13 के चाइना रोम पे। देख ही सकते हैं यहां पे क्रोमाटेक उसका नाम है, आप जानते ही होंगे गाइस, कस्टम रोम का यूट्यूबर है ये, मेरा ही फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है गाइस, उसी ने मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड किया है ताकि मैं वीडियो में आप लोगों को बता पाऊं। तो देख सकते हैं यहां पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ ऐसा आपको कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल डाटा, यहाँ पे वाईफाई, ये ब्राइटनेस और ये म्यूजिक का बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे नीचे में भी म्यूजिक का प्ले पॉज का बटन देखने को मिल जाता है, ये वॉल्यूम वाला था गाइस। और साइड करे तो दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं आपको, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कुछ न्यू परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, और मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको पहले क्या था कि यहाँ से आपको ऐसे नीचे डाउन करना पड़ता था, पर अब यहाँ पे वैसा नहीं है, अब यहाँ से आपको गाइस देख सकते हैं स्वाइप करना पड़ता है, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं गाइस स्लाइड करना पड़ता है, तो जाके आपका न्यू जो एक्स्ट्रा टॉगल्स है वो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और भी कुछ न्यू है गाइस यहाँ पे, आप टॉगल्स ऐड कैसे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है जिससे आप टॉगल्स को ऐड कर सकते हैं, और यही कुछ आपको न्यू देखने को मिलता है। ये देखने को तो स्टेबल लग रहा है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते है तो ये MIUI 13 का वो जो बिल्ड आया था Xiaomi वो बेटा का, तो उसी पे इसने इंस्टॉल किया है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुका है। यहाँ पे MIUI 13 आपको देखने को मिल जाता है जिसने इसे Mi 11X में इंस्टॉल किया था। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है MIUI 13 वाला। अब अगर आपको इंस्टॉल करना है गाइस तो आपको चाइना बीटा रोम इंस्टॉल करना होगा और एंड्रॉइड 12 पे जाना होगा, क्योंकि ये जो अभी MIUI 13 का ये बिल्ड देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर का, ये जो है गाइस सिर्फ अभी एंड्रॉइड 12 ओनली देखने को मिल जाता है, नहीं तो ये आपका हार्ड ब्रेक कर देगा, एंड्रॉइड 11 पे भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और हाँ, अगर आप रूट करके ट्राई करना चाहते हैं तो गाइस अभी तक रूट का कोई मॉड्यूल नहीं आया है, मैंने मॉडरेटर से बात किया था तो उन्होंने बताया कि एंड्रॉइड 11 पर ही ये सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो मे भी मुश्किल ही होगा गाइस की, बट हाँ अगर स्टेबल में जब ये आ जाएगा अच्छी तरह से तो रूट आपका आ जाएगा। अब एंड्रॉइड 10 के लिए गाइस मे भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा कि ये MIUI 13 आए या ना आए, बट कोई ना, मैं अपने Redmi Note 10 Pro दूसरा वाला जो मेरा डिवाइस है उसमें जब स्टेबल अपडेट आएगा तो ये कंट्रोल सेंटर आएगा ही, तो उस टाइम मैं आपको अच्छी तरह से भी समझा दूंगा। अभी फिलहाल आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो। तो देख ही सकते गाइस ये आपको न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है यहाँ पे MIUI 13 का, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग गाइस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और हमें टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाकर जल्दी से फॉलो कर ले गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।